को व्यापार महासंघ की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें अजमेर को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए जो प्रयास जिलाधीश महोदय कर रहे हैं उसमें उनका धन्यवाद और उनका स्वागत किया गया, माला पहनाई, स्वागत लौटाई। साथ ही जिलाधीश महोदय से निवेदन किया गया अजमेर में हमको पुलिस नाम की कोई चीज नहीं दिखती। सुबह 3 बजे मैं उठता हूँ, 3 बजे घर के बाहर निकल जाता हूँ और फिर इधर उधर घूमना शुरू कर देता हूँ, लेकिन 3 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक मेरे को तो कहीं कोई पुलिस नहीं। रात को चोर जागते हैं, पुलिस सो जाती है, और दिन को पुलिस जागती है, चोर सो जाते। ऐसे में हमारा निवेदन है, माफ करना, एक बार मैंने यही बात SP साहब को कही थी, तब SP साहब ने मुझे बड़ा कटु जवाब दिया था। SP साहब ने कहा क्या मैं चोरों को साथ लाया हूँ, तो मैंने कहा अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ आप चोरों को साथ लाए हो। लेकिन अजमेर में चोरों का राज, जिस SHO के एरिया में क्राइम ज्यादा है अथवा चैन टूटने की और चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही, क्या उनको हटाया नहीं जा सकता? और अगर इनमें कोई सुधार नहीं हुआ तो व्यापार महासंघ की तरफ से फिर कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए आंदोलन किया जाएगा, भले इसके परिणाम कुछ भी निकले। मोहनलाल शर्मा, अध्यक्ष व्यापार महासंघ।